रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है धर्म गंगा। धर्म गंगा यानी कि धर्म की बात, आपके भगवान जी की बात। चलिए, एक है तो यह खबर और धर्म की खबर है, इसलिए हम पहुंचा रहे हैं आपके पास, ताकि आप न रहे बेखबर धर्म की खबर से। मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर गांव में, खिलचीपुर वैसे एक कस्बा है, वहां हनुमान जी की वेशभूषा में खड़ा था एक छोटा सा बच्चा। उसको देखकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना काफिला रुकवाने को मजबूर हो गए। उन्हें बहुत प्रेम आया उस नन्हे से बच्चे के ऊपर जो हनुमान जी की वेशभूषा में वहाँ पे खड़ा था। भीड़ प्रतीक्षा कर रही थी बागेश्वर धाम सरकार की। उनका काफिला वहाँ से जा रहा था, बच्चे को देखा तो पंडित धीरेन शास्त्री मुस्कुराए और उन्होंने काफिले को रुकवा दिया। इसके बाद अपनी गाड़ी में उन्होंने नन्हे हनुमान को बुलाया और उसे बहुत प्रेम के साथ गले लगाया, उसे माला पहनाई। लेकिन नन्हे बालक ने माला पहनने से तो मना कर दिया और बच्चा ओहो बिलख बिलख करके रोने लगा। एक्चुअली हुआ क्या ये बताते हैं हम आपको। आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, आज से मतलब समझे आप, कल से 26 तारीख से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका 3 दिवसीय कथा का आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? खिलचीपुर में, राजगढ़ के पास में खिलचीपुर कस्बा, छोटा सा लेकिन सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ धर्म कर्म के मामले में लोग बहुत आगे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शोभा यात्रा को देखने के लिए भक्तों का अंबार लगा हुआ था, लोग लाइन लगा खड़े हुए थे, भीड़ दूर दूर तक नजर आ रही थी। और इसी बीच में खड़ा था वो नन्हा सा बच्चा हनुमान जी की वेशभूषा में, जिसको देखकर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी यात्रा को रोक दिया। हनुमान जी की वेशभूषा में नन्हे से बालक का गुस्सा देखकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी स्तब्ध रह गए। एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया का यह वीडियो है। इसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से हनुमान जी की वेशभूषा में उस नन्हे से प्यारे से बच्चे को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्यार करते नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बालक के हाथ जोड़कर उसको माला पहनाई, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही ईश्वर थे और वेशभूषा ओहो बजरंग बली की थी। तो ये नन्ना बालक काफ़ी गुस्से में नजर आया, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, और उसका गुस्सा भी तो एक लीला है, उसके अंदर भी तो लीलाधर भगवान है। चलता हूँ आपसे, फिर मिलूंगा। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, राम राम। रेडियो हिंदुस्तान।